वेलकम बैक स्ट्रिंग पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं एंड इसीलिए स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स के बारे में फर्स्ट हम बात करेंगे कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स देन हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग देन डिलीशन ऑफ स्ट्रिंग देन इटरेशन थ्रू स्ट्रिंग बाय यूजिंग फॉर लूप एंड देन हम चेक करेंगे कि स्पेसिफिक कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग में चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बात करेंगे कॉन्कैटिनेशन के बारे में

देन ऑन द थर्ड लाइन मैंने क्या किया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग को को किया किया है किया जाता है जाता बाय यूजिंग ऑपरेटर एंड देन मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है उस कॉन्टेनेटेड स्ट्रिंग को मैंने उसे असाइन कर दिया है देन मैंने स्ट्रिंग थ्री को प्रिंट किया है आउटपुट विंडो में मुझे कुछ इस तरह आउटपुट मिलेगा सो पाइथन इज इज अ फर्स्ट स्ट्रिंग दैट इज एस टी आर वन एंड ऑसम इज अ सेकंड स्ट्रिंग एस टी आर टू ये आर वन प्लस ये आर टू करने से स्ट्रिंग एक दूसरे से जुड़ जाएगी मतलब कॉन्केटनेट होगी यहाँ पे हम मोर स्ट्रिंग्स भी लिख सकते हैं एक बात आपको याद रखनी है कि एस टी आर वन एंड एस टी आर टू में हम चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल सो आफ्टर कॉन्केटनेशन पाइथन एक नई स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा है पाइथन इज ऑसम एंड इसीलिए हमने उसे नया वेरिएबल दिया है एस टी आर थ्री तो पाइथन ईज के लिए एक मेमोरी बनेगा पीछे उसका टैग होगा एस टी आर वन ऑसम के लिए एक टैग बनेगा एस टी आर टू देन एक नई स्ट्रिंग बनेगी इसमें चेंजेस नहीं होंगे इसमें चेंजेस अलाउड नहीं है सो so, नई स्ट्रिंग बनेगी पाइथन ईज दैट इज द फर्स्ट वन एंड इससे जुड़ जाएगी ऑसम awesome". एंड इसको हमने असाइन किया है टू वेरिएबल एस टी आर थ्री चलिए इसे आईडी में करके देखते हैं दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम फॉर कॉन्केटनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मैंने नेम लिखा है मेरा शंतनु एंड देन असाइन किया है टू वेरिएबल नेम देन मैंने सर नेम लिख है नेम प्लस सर नेम सो दोनों साथ में होते हैं तो मैंने क्या किया नेम एंड इसको कॉन्केटनेट किया सर नेम यूजिंग एडिटिव ऑपरेटर सो नेम में है शंतनु एंड सर नेम में है केसकर सो केसकर कॉन्केटनेट होगा शंतनु एंड देन एक नया वेरिएबल बनेगा फुल नेम ये जो नई स्ट्रिंग बनी है देखिए इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते एक नई स्ट्रिंग बनती है उसको हमने असाइन किया है टू वेरिएबल फुल नेम देन ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने प्रिंट किया है फुल नेम इज एंड देन हमने फुल नेम को प्रिंट किया है ऑलवेज रिमेंबर अगर आप कोई मैसेज देते हैं एज अ स्ट्रिंग तो मैसेज के बीच में एंड वेरिएबल के बीच में आपको कॉमा लिखना जरूरी है सेव करके इसे रन करता हूं आउटपुट विंडो में मुझे फुल नेम इज शंतनु केसकर दिखाई दे रहा है सो so, शंतनु एंड केसकर का कॉन्केटनेशन हुआ है लेकिन मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए इसके लिए मैं क्या करूंगा प्लस के बाद यहाँ पे स्पेस लिखूंगा एंड देन कॉन्केटिनेट करूंगा ये लिखने से मुझे स्पेस मिल जाएगा अब देखिए आउटपुट फुल नेम इज शंतनु देन स्पेस एंड देन केसकर सो यहाँ पे हमने तीन चीजों का कॉन्केटनेशन किया है आप कितने भी स्ट्रिंग्स एड कर सकते हैं जनरली एडिटिव ऑपरेटर का यूज किया जाता है एडिशन के लिए मैं जब लिखता हूँ प्रिंट करो टू प्लस थ्री सेव करके रन करता हूँ मुझे आउटपुट विंडो में फाइव मिलता है यहाँ पे एडिशन हो रहा है सो एडिटिव ऑपरेटर को जब नंबर्स मिलते हैं तो वो उनको एड कर देता है लेकिन जब स्ट्रिंग्स मिलती है ऑपरंट्स तो वो उनको कॉन्केटनेट कर देता है अब मैं टू एंड थ्री को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ कन्वर्ट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इनको कोर्ट के अंदर थ्री so, को भी मैं कोर्स के अंदर देता हूं सेव करके रन करता हूं इस केस में एडिशन नहीं होगा कॉन्केटनेशन होगा सो इंस्टीड ऑफ फाइव आउटपुट विंडो में मुझे ट्वेंटी थ्री मिल रहा है सो टू एंड थ्री एक दूसरे से जुड़ जाएंगे कॉन्केटनेट होंगे क्योंकि यहां पे एडिटिव ऑपरेटर्स को मिल रहा है स्ट्रिंग एज अ ऑपर एक और बात याद रखिए आप एक स्ट्रिंग एंड एक नंबर नहीं दे सकते अगर मैं थ्री को एक नंबर लिखता हूं सेव करके रन करता हूं मुझे आउटपुट विंडो में टाइप एरर मिलेगा कैन ओनली कॉन्टेनेट टू स्ट्रिंग एंड नॉट द इंटेजर सो एडिटिव ऑपरेटर्स के दोनों ऑपरेशन आपको सेम रखने हैं इधर नंबर देने हैं अगर आप एडिशन करना चाहते हैं तो नहीं तो आपको स्ट्रिंग देना है अगर आप कॉन्केटनेशन करना चाहते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको स्ट्रिंग को एंड नंबर्स को कॉन्केटेनेट करना है अगर आप स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स को कॉन्केंटनेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको टाइप एरर मिलता है मैंने अभी बताया है इस केस में आप यूज करेंगे टाइप कास्टिंग का मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा यश टी आर ऑफ नम वन प्लस नम टू ये स्ट्रिंग से कॉन्टेट हो जाएगा नाउ नम वन प्लस नम टू इज स्ट्रिंग एंड नॉट द नंबर सेव करके रन करता हूँ तो टर्मिनल पे मुझे एरर की बजाय एडिशन दिखाई दे रहा है एडिशन इज 27 अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग के बारे में मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है रिपीटिंग द सेम स्ट्रिंग फॉर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आप टू और मोर स्ट्रिंग्स के साथ काम नहीं करेंगे आप एक ही स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद सर्टन नंबर जिस नंबर से आप उस स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर होना चाहिए एंड जिस से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार वो स्ट्रिंग खुद को रिपीट करेगी ये किया जाता है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इसे एस्टरिक सिंबल भी बोला जाता है एग्जांपल के लिए मैंने ये स्मॉल स्निपेट ऑफ कोड लिखा है यहाँ पे मैंने क्या किया है एक स्ट्रिंग बनाई है कोडे युग उसको असाइन किया है टू एस ऑन द नेक्स्ट लाइन मैं बोल रहा हूं एस टी आर इसका मतलब है कि टी आर वन जो स्ट्रिंग है मतलब इसमें कोडे युग है वो खुद को दो बार रिपीट करेगी अब स्ट्रिंग इस इसमें तो चेंजेस नहीं कर सकता ये पूरा नया स्ट्रिंग बनेगा सो मैंने इसे असाइन किया है टू वेरिएबल एस टी आर टू हम डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकते हैं देन मैंने प्रिंट किया है एस टी आर टू आउटपुट विंडो में मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करके मिलेगा देखिए कोडे युग स्ट्रिंग है एंड ये दो बार खुद को रिपीट कर रही है

उटपुट विंडो में space, then space, then u, तो इस तरह आप को रिपीट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्ट्रिंग का यूज क्या होता है एक यूज मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे मैंने युग एंड वेलकम को प्रिंट किया है आउटपुट विंडो में अब मैं क्या करना चाहता हूँ कोडे युग एंड वेलकम के बीच में एक डैश की बड़ी लाइन लिखना चाहता हूँ उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट करो देन इसके अंदर मुझे क्या देना है मल्टीप्लाई करना है बाय 50 सो so 50 टाइम्स ये प्रिंट होगा सेव एंड रन आउटपुट विंडो में देखिए कोढ़े युग एंड वेलकम के बीच में ये लाइन दिखाई दे रही है सो so इसका यूज आप नाइसर आउटपुट प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स और सब स्ट्रिंग को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल बट हम इंटायर स्ट्रिंग डिलीट कर सकते हैं एंड इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डेल की यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया है कोडे कोडेयुग स्ट्रिंग को बनाया है ऑन द नेक्स्ट लाइन मैंने डिलीट किया है स्ट्रिंग वन को डेल की का यूज करना है सो so ये पूरी इंटायर स्ट्रिंग मेमोरी से डिलीट होगी देखिए हम यहाँ पे चेंज नहीं कर रहे इसमें हम इसको डायरेक्ट मेमोरी से हटा रहे हैं देन अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूं यस टी आर वन इस केस में मुझे मिलेगा एरर दैट इज अम एरर एग्जिस्ट पहले मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सेव करके रन करता हूँ आउटपुट विंडो में आपको कोडे युग प्रिंट करके मिलेगा अब मैं इस कमेंट्स को निकाल देता हूँ इस स्ट्रिंग को मैं डिलीट करता हूँ एंड देन अगेन प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ अब मुझे आउटपुट विंडो में देखिए क्या मिलेगा नेम एरर नेम एस टी आर वन इज नॉट डिफाइंड सो ये लाइन एग्जीक्यूट होने पर जो कॉडेयुग स्ट्रिंग मेमोरी में मौजूद है उस स्ट्रिंग को मेमोरी से निकाल दिया जाएगा देन मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ एस टी आर वन जो कि मेमोरी में मौजूद नहीं है सो so इसलिए मुझे एरर मिल रहा है नेम एरर एक और बात अगर आप स्ट्रिंग्स को एक साथ लिखते हैं मतलब एक के बाद एक लिखते हैं एंड असाइन करते हैं टू वेरिएबल एंड उसे प्रिंट करते हैं तो इस केस में आपको सभी स्ट्रिंग्स एक दूसरे से कॉन्केटनेट करके मिलेगी आउटपुट विंडो में देखिए हेलो एंड वर्ल्ड प्रिंट करके मिल रहा है सो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ कॉन्केटनेटिंग स्ट्रिंग्स सुगाइज so इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल विल सी यू नेक्स्ट टाइम